नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। भूमि अधिग्रहण बिल पर घिरी सरकार, विपक्ष का वॉकआउट। संशोधित भूमि अधिग्रहण बिल को लोकसभा में पेश करने के साथ ही इस पर सदन में जबरदस्त हंगामा मच गया। विपक्षी दलों के रुख को देखते हुए सरकार के सामने बिल पास कराने की बड़ी चुनौती है। बिल के विरोध में कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले राज्यसभा में भी ऐसे ही हालात नजर आए। कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी, RJD, JDU और तृणमूल कांग्रेस ने भी सदन से वॉकआउट किया। इतना ही नहीं, सरकार की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी विपक्ष के सुर में सुर मिलाए हैं। सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये किसान विरोधी बिल है और इसका गंभीर दुष्परिणाम होगा। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भाजपा सांसदों से कहा कि उन्हें भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को लेकर बचाव की मुद्रा में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा बनाए गए मिथक की हवा निकालनी चाहिए। हम जो कानून ला रहे हैं वह किसानों और गरीबों के हित में है। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का रास्ता साफ, मुफ्ती होंगे मुख्यमंत्री। जम्मू कश्मीर में भाजपा और PDP की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। PDP नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद 1 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दोनों दलों ने अफस्पा और अनुच्छेद 370 समेत अन्य सभी मुद्दों पर सहमति का रास्ता निकाल लिया है। गठबंधन की इस सरकार में दोनों पार्टियों के 6-6 मंत्री होंगे। जनता से पूछकर बजट बनाएंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली का बजट जनता से पूछकर बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट बनाने से पहले 5 से 10 विधानसभा क्षेत्रों में जनता की राय ली जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही पानी और बिजली सस्ते किए जाएंगे, साथ ही बातें कम और काम ज्यादा होगा। सिख को ओसामा कहने वाले व्यक्ति पर घृणा अपराध का अभियोग। अमेरिका में पिछले साल 29 वर्षीय सिख युवक संदीप सिंह को ओसामा कहकर संबोधित करने और फिर जानबूझकर उसे अपने ट्रक से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल करने वाले 55 वर्षीय एक व्यक्ति पर अमेरिकी जूरी ने घृणा अपराध का अभियोग लगाया है। दोषी ठहराए जाने की स्थिति में लॉन्ग आइलैंड निवासी जोसेफ कैलेका को 25 साल तक की कैद हो सकती है। क्रिस गेल ने विश्व कप में दोहरा शतक जमाकर रचा कीर्तिमान। वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल ने मंगलवार को वर्ल्ड कप इतिहास का पहला दोहरा शतक बनाया। गेल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ पूल बी के मैच में 147 गेंदों में 10 चौकों और 16 छक्कों की मदद से 215 रन बनाए। पारी की अंतिम गेंद पर आउट हुए गेल ने सैमुअल के साथ दूसरे विकेट के लिए 372 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप भी की। यह वनडे क्रिकेट में किसी विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप है। इस मैच में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 372 रनों का विशाल स्कोर बनाया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।